Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is be all ears. It was a request by Biswajit Malik, and Biswajit, here's your lesson. Be all ears is a phrase and it means ready to listen what someone has to say. देखिए, be all ears या all ears जो हम बोलते हैं ना, वो हमेशा तब बोलते हैं जब ये कहना होता है कि जो भी आप कह रहे हैं ना, उसको हम पूरी तरह से ध्यान से, तवज्जो से, अपने दोनों कान वो आपकी बात की तरफ करके आपको सुन रहे हैं, तो इसके लिए ऑल ईयर्स जो ये फ्रेज है वो यूज की जाती है। जैसे कहते हैं कि आई एम ऑल ईयर्स, इसका मतलब ये है, वो इंसान ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, मेरी पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है, मेरे दोनों कान तुम्हारी बात की तरफ है, आई एम ऑल ईयर्स। या समटाइम्स होता है ना, क्लास में टीचर कहती है कि स्टूडेंट्स बी ऑल ईयर्स, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ अपना पूरा ध्यान जो है, अपने दोनों कान जो है वो मेरी बात की तरफ करें, ठीक है। या समटाइम्स होता है हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते तो आगे से कहते हैं ना कि आर यू लिसनिंग, जब हमें ये होता है कि वो पता नहीं बात सुन भी रहा है मेरी के नहीं, तो कहते हैं ना कि आर यू लिसनिंग, और आगे से वो रिप्लाई में कहता है आई एम ऑल ईयर्स, मतलब कि मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ, तुम बोलती जाओ जो है, बोलते जाओ जो भी तुम ये कह रहे हो, ठीक है। तो ऑल ईयर्स का मतलब ये होता है कि पूरे ध्यान से किसी की बात को सुनना, ठीक है। अगर आपने कहना है कि मैं आपकी पूरी बात पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम ऑल ईयर्स। या आपने किसी दूसरे को कहना है कि मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो, तो कहेंगे आप बी ऑल ईयर्स, ठीक है, कि मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो, ठीक है। या करण इज ऑल ईयर्स, या अली इज ऑल ईयर्स, इसका मतलब यह है कि करण पूरी तरह से सुन रहा है बात को, या अली पूरी तरह से सुन रहा है बात को, ठीक है। तो किसी के बारे में कहना है कि वो पूरी तरह से बात को सुन रहा है, तो उसका नाम लेकर भी आप कह सकते हैं ऑल ईयर्स। आप अपने बारे में कहना चाहते हैं तो आप अपने बारे में इस तरह से बोलेंगे आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि पूरे ध्यान से किसी दूसरे की बात को सुनना, ठीक है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। बी ऑल ईयर्स व्हेन आई एम स्पीकिंग, कि जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, तो बी ऑल ईयर्स, के उस वक्त पूरे ध्यान से मेरी बात को सुना करो, ठीक है। अ सेकंड एग्जांपल इज आई एम ऑल ईयर्स कीप टॉकिंग, कि मेरी तवज्जो पूरी तरह से तुम्हारी तरफ है। कीप टॉकिंग मतलब बात करते जाओ, बोलते जाओ, जो भी बोल रहे हो मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ तुम्हारी बात को, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज वेन देयर इज गॉसिप शी इज ऑल ईयर्स, के जब भी वहां पर कोई गॉसिप होती है, जब भी कोई गॉसिप वाली बात होगी, तो वो हमेशा से फिर वो फौरन ऑल ईयर्स हो जाती है, मतलब कि वो फिर पूरे ध्यान से बात को सुनती है। जब गॉसिप की बात हो तो वो ऑल ईयर्स हो जाती है, उसके दोनों कान जो ना वो गॉसिप की तरफ आ जाते हैं, वो पूरे ध्यान से तब सुनती है, अदरवाइज वो शायद ना सुनती हो, बट जब गॉसिप होगी तो वो सुनती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।